अमी चंद जी, ये जो सीमेंट फैक्ट्री है, इससे आपकी फसल पे क्या असर पड़ रहा है? लॉस तो पड़ रहा है, डस्ट आ रही है इसकी, डस्ट अच्छा जमती है उसमें, तो लॉस नहीं पड़ेगा। अच्छा तो मतलब किसी तरह, मतलब पैदावार कम हो रही है, या वो मिट्टी जो आपके खेत की वो खराब हो रही है, क्या हो रहा है? पैदावार ही कम 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 हो रही है, जब सीमेंट जमेगी तो खेपरन जमेगी उसमें, अच्छा नुकसान तो हो ही रहे इससे। और इसके सेहत पे क्या असर पड़ रहा है इससे? सेहत पर आदमी के, जब डस्ट जाएगी, कटाई जी फटाई करते हैं तो आदमी को नुकसान नहीं होगा। अच्छा, तो कि ये बच्चों पे ज़्यादा इसकी डस्ट का असर हो रहा है, या बुज़ुर्गों पे, या सभी पे हो रहा है? सभी पे हो रहा हो तो सभी सब लोगों को ही हुआ डस्ट। तो अच्छा, ये जो सीमेंट फैक्ट्री खुली है आपके गांव के आसपास के, कितने लोगों को लगभग इसमें रोज़गार, नौकरी वगैरह मिली है? हमारे और पास के आदमी को किसी को नहीं मिली, कोई एक आध जो बिल्ला लग रहा है। ये सीमेंट फैक्ट्री जैसे खुली है, तो सरकार के लोग आपके गांव में कोई स्वास्थ्य कैंप लगाने, दवाइयां बांटने के किसी रूप में आते हैं आप लोगों के हालचाल पूछने? नहीं, आज तक नहीं आए? नहीं आए। लगभग कितना समय हो गया होगा इस फैक्ट्री को? या को कम से कम 7-8 साल हो 7-8 साल से। तो गए। एक बार ये बनने के बाद कोई फिर आपके हालचाल जानने नहीं आया? जिन लोगों की जमीनें इसमें गई, वो लोग अब क्या क्या कर रहे हैं? वो लोग क्या कर रहे हैं, वो भी अपना जो है मजदूरी कर खा रहे हैं। मजदूरी कर रहे हैं? अच्छा जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अमीचंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।